हे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर डी के। एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो दर्शा और लिमिटेड। जी हाँ, ये एक जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर की कंपनी है। आप देखोगे कल जो है ना इसने अपना जो 14 अप्रैल को, जी हाँ 14 अप्रैल को अपना जो है क्वार्टरली रिजल्ट था वो डिक्लेयर कर दिया है। तो इसके अंदर हमें जो है प्रॉफिट देखने को मिला है या फिर लॉस देखने को मिला है तो मैं आपको वीडियो में सब बताऊंगा। जी हाँ, आपको जो डिटेल में बताया जाएगा, आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना, और आगे के लिए हम इसके अंदर जो है क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। तो आइए, बेसिकली कंपनी का जो रिजल्ट निकल रहा है वो कैसा रहा है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। जो टोटल वैल्यू ऑफ दी गई है वो लाख में दी गई है। जी हाँ, लाख में दी गई है, नॉट करोड़। अगर बात करूँ मुझे टोटल रिवेन्यू की मार्च क्वार्टर में, तो आप देखोगे 392 लाख का जो है टोटल रिवेन्यू रहा है। और जो टोटल एक्सपेंस रहा है वो आप देख सकते हो 387 लाख का। जी हाँ, 387 लाख का जो है टोटल एक्सपेंस रहा है, यानी कि एक्सपेंस जो खर्चे हैं वो इसके जो रिवेन्यू से वह कम है। जो प्रॉफिट बचा है आप देखोगे 4,39,000 का प्रॉफिट बचा है। अगर प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो आप देखोगे प्रीवियस क्वार्टर में जो टोटल रिवेन्यू रहा था वो 267 लाख का रहा था, और जो टोटल एक्सपेंस रहा था वो आप देखोगे 242 लाख का रहा था। लेकिन वहाँ पर हमें जो इसके अंदर प्रॉफिट देखने को मिला था 25 लाख का, यानी कि प्रीवियस क्वार्टर में हमें जो है इससे ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिला था। लेकिन जो क्वार्टर फोर के रिजल्ट आए हैं वो थोड़े प्रीवियस क्वार्टर के बजाय अच्छे नहीं आए हैं। अगर बात करूँ मैं इसके प्रीवियस ईयर की, जी हाँ प्रीवियस ईयर की, यानी मार्च 2021 के क्वार्टर की, तो वहाँ पर आप देखोगे जो इसका टोटल रिवेन्यू था वो 763 लाख का था। जो इसका एक्सपेंस था वहाँ पर वो आप देखोगे 576 लाख का था। लेकिन आप देखोगे वहाँ पर जो इसको प्रॉफिट हुआ था वो 186 लाख का हुआ था। अगर वाई ऑन वाई की बात करें तो आप देखोगे हमें जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा, जी हाँ बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। क्यू ऑन क्यू की बात करें तो आप देखोगे हमें जो इसके अंदर प्रीवियस क्वार्टर के बजाय भी लॉस ही हुआ है, तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है। यानी कि क्वार्टर फोर के जो नंबर आए हैं वो कुछ खास नहीं आए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में हमें जो इसके अंदर अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला था, और जो प्रीवियस ईयर की हम बात करें तो वहाँ पर भी हमें जो है इसके अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला था। लेकिन क्वार्टर फोर में हमें जो इसके अंदर कुछ खास प्रॉफिट देखने को नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ 4,39,000 का जो है प्रॉफिट देखने को मिला है। यानी कि अब हमें जो है इसके अंदर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से मैं बात करूँ शेयर के टारगेट की, क्या टारगेट हो सकते हैं, तो आने वाले टाइम में हमें जो स्टॉक फिलहाल ये जो है 71 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, तो हमें अगर इसके साथ लॉन्ग टाइम के लिए बने रहते हैं, जी हाँ लॉन्ग टाइम के लिए बने रहते हैं कम से कम 1 या 2 साल के लिए, तो हमें जो है इसके अंदर अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ के साथ जो है लॉन्ग टाइम के लिए बने रहना होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।